हमारा जो सफर है रमेश चंद्र कौशिक के चुनाव प्रोग्राम को कवरेज का, अब हम गोहाणा खरखोदा वाले रोड से अब वापस दाएं तरफ मुड़े हैं। बैसवाड़ गुरुकुल की तरफ हमारा अब प्रवेश हो रहा है। ये आप दृश्य देख रहे हैं, अब उसके मुख्य द्वार के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ गोहाणा रोहतक क्षेत्र के लिए जो है यहाँ पर है अड्डे के ऊपर हमारे साथ में मेरे सारथी हैं, ऋषि पंडित जी पुरखास ध्यान से हैं और इनकी गाड़ी में ही हम बैठे हुए हैं। आज की जिम्मेदारी इनकी रही। दोस्तों आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, आप सभी को आज के दिन की बेहतर शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं कन्नौर से चला हूं और सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी हैं रमेश चंद्र कौशिक। आज उनके कार्यक्रम कवरेज के लिए हम कन्नौर से चले, गांव सैयाखेड़ा कैलाना, उधर से आगे बढ़े दुबेटा, दुबेटा से हमने बाईं ओर टर्न किया, गांव स्त्रकथल पहुँचे। स्त्रकथल से हम जोली की ओर जा रहे हैं इस वक्त और आप ये देख रहे हैं ये जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत। हम गाड़ी में चल रहे हैं फिलहाल और आपको चलते चलते ही ये स्वरूप आपको बेहतर दिखाई दे, ये देखिएगा। हाँ, तो हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं गेहूं की कटाई है, लेकिन पानी आया था यहाँ पर और बरसात की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारे साथ में ऋषि पंडित जी हैं गांव पुरखास के, आज हमारे ये सारथी बने हुए हैं और इन्हीं की बदौलत हम आज अपने इस सफ़र को तय करेंगे और पूरे दिन ये हमारे साथ रहेंगे। आप चुनाव का जायजा लेंगे, लोगों के विचार जानेंगे, कौन किस पार्टी की तरफ जो है अपना ध्यान रखता है। ये गांव के लोग महिलाएं अभी चारा लेकर के आ रही हैं। गांव के अंदर हमने प्रवेश किया है, ये गांव की भारवाई ये देख रहे हैं आप, ये गांव का दृश्य बहुत ही अच्छा। प्रधानमंत्री तो जो है राहुल गांधी बन ही जाएगा। उत्तर कोरिया से इनकी भी तो इन बता करो ना। अच्छा 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 ठीक है, कौन कौन से अवार्ड बताएं? ऐसा रशिया से मिले और मुसलमान कंट्रियों से और सऊदी अरब से और क्या नाम है उत्तरी कोरिया। अच्छा चलो ये बताओ आपका शुभ नाम क्या है? किशन चंद। बिशन चंद, किशन चंद, किशन चंद। अच्छा किशन चंद जी ये बताओ कि आपको मोदी की सबसे अच्छी कौन सी बात लगी? सबसे अच्छी सर ये बात अच्छी लग गए, एक बात बता दो। देखो सेना के लिए उन्हें सारे हथियार ला दिए, जो खिलाफ हमारे दुमा ढा दिया, पाकिस्तान के लिए बदला ले लिया। हाँ, पाकिस्तान में जो खिलाफ और के। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाजी? अमेर सिंह। पूरा पता बताओ आपका। गांव मावड़ी। जिला? जिला सोनीपत, तहसील गोहाणा। अच्छा जी,
और बाप का नाम बसु। हम आपके पास यहाँ चुनाव के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, तो आज हम किसके खेत में बैठे हुए हैं? यू खेत साहब बनी सिंह, बनी सिंह के खेत के अंदर हम बैठे हुए आपसे ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अभी पूरे देश के अंदर चुनाव चले लोकसभा के, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी ठीक रहेगा या नरेंद्र मोदी ठीक रहेगा? वैसे वो निदान से यू शाना आदमी है, ये अच्छा लगा है लोगों ने। अच्छा, आपको नरेंद्र मोदी की क्या बात अच्छी लगी? बात यह अच्छी लगी कि इसने यू बोल रहे हैं इससे मानस दबे है। अच्छा, और राहुल गांधी ने ना दबता है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 82 साल की होगी। आज तक आपने जितने भी प्रधानमंत्री देखे हैं उनमें सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री की क्या अच्छाई थी? अच्छाई या जो काम अच्छे करे उसने, हर एक आदमी को पावर दिया। बजी है तुमने देखा शरद भाग गांव में उड़ा किस्ते भी अपना करते रहो, मेरे पास हुक्म लेने की जरूरत नहीं आ रहा होगा, इतने रोज जमा डेली होगी। सब अफसरा ने सब क्या है ना पावर फोल दे दिए, जमींदार दू कह दिया कि भाई अपना नाज बेचू मंडी में, अरे हमने बेरा राग जा हम तो जोड़ी बांध गया दूसरे देश से मुंगता बना नहीं जाना, एक दिन का ब्रश करेंगे और हमने पता लग जा वो बाहर आएगा पैर में और वो आखिर में वो बांधेंगे जमींदार ने फसल का और तुम उसने मंडी में बेचाओ हमने। अच्छा, आपके यहाँ जो अभी लोकसभा प्रत्याशी है, अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो सांसद बनेगा तो वो रमेश कौशिक आपका प्रत्याशी है उसका, तो क्या उसको बनाओगे? मुश्किल बात है। अच्छा, कौन काम नहीं करा कुछ भी पर नहीं बना बना के घर ले रहो। हाँ, और उसने आने का शक्ल नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं करा लड़के में कुछ। तो फिर मोदी को आप प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? कैसे क्या, उसी ने सीटें दस सीटें ज्यादा और भी सीट लिख लेंगी, और भी लिख लेंगी हरियाणा में सीट उसकी। हाँ, और इसने रेप कर आना है चाहूंगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर जो आप इसको हरा दोगे, बूंद बूंद से सागर भरता है, ईंट ईंट से जो है मकान बनते हैं, तो जब एक एक आदमी हारता चला जाएगा तो फिर मोदी की तो सरकार बने को नहीं। ये ना बच्चे ही चेट पड़ी साहब है, नुआ सारे सोचेंगे नहीं, सारे नुआ सोचेंगे फिर तो। तो फिर आप अगर जो आपका प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीता तो फिर आप कैसे चाहोगे कि मोदी प्रधान में, फिर तो राहुल गांधी बनेगा? राहुल गांधी बन जाए वो के हमारे देश का ना। हाँ, वो बन जाएगा। ठीक है, और वो भी नया छोरा है और नरेंद्र मोदी तो दबता भी नहीं है, जो कह नहीं सो कहेगी। अच्छा, अब बिल्कुल भाषण जो देगा उसे दबता नहीं। अच्छा, और उसके नो करके कह रहे लिखे पड्डे ठारे के से अकबाई शाना आदमी ही निदान। अच्छा, दूसरे देशों में कम पकड़ है, राहुल गांधी कम पकड़ से। अच्छा, मोदी के छिप। तो फिर आप चाहते हैं मोदी आपका प्रधानमंत्री बने? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत करी हमारे से। और मोदी शाना आदमी हर से मानस तक पड़ेगी। ठीक है, तो आपका देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा रे। अच्छा, बनेगा क्या है जी? करण सिंह जी, कौन सा गांव है आपका? जोड़ी के अंदर जो ना हम बैठे हुए, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना और जो है बात कर रहा हूँ कि वर्तमान के जो चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी, आपके ध्यान से ये चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए जी, सरकार तो कोई भी होते जी, उसके काबिलियत है जो सरकार है, जिन काम मतलब इसे करे हैं, क्या नाम, भ्रष्टाचार हटाने के लिए जी, हम तो वोट उसी की देंगे। अच्छा जी, कौन है जिस आपकी नजरों के अंदर भाई कांग्रेस है, बीजेपी है? बीजेपी है जी, हमारी नजर हम देखो घनी बढ़िया। अच्छा, बीजेपी है। हाँ, तो बीजेपी की आपको अच्छी बात क्या लगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी से अलावा फिर योगी है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अच्छा, वेरी गुड, हिंदुस्तान में है नहीं कोई भी। अच्छा जी, तो आपको मोदी की बात कौन सी अच्छी लगी? हमने सारी अच्छी लगी, एक तो मतलब समूही काम, मतलब जो भी गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है और उसका लड़का पढ़ा दिया, माँ बाप ने उसको नौकरी नहीं मिली, नौकरी उसको बगैर पैसे नौकरी मिल रही है,
उसको पैसे वाले का तो पैसे वाले का तो पैसा भी है नौकरी उन लोगों को मिलेगी, फिर पैसे बने पैसे वाले का तो नौकरी ही नहीं मिलती। तो आप फौजी हैं? हाँ। तो कौन सी कोर में थे आप? सिंगल कोर में। तो सिंगल कोर में थे, आपकी वन रैंक वन पेंशन का कुछ बेनिफिट मिला आपको? बहुत ही काफी मिल गया बेनिफिट है हमको, इसी में तो हमारा गुजारा हो रहा है अभी तक। और पहले तनख्वाह दिन में जब पेंशन आउट रहा था मेरे 7 रुपये घाट 800 रुपये मेरी पेंशन थी, बताओ उसमें गुजारा कैसे हुआ जिसका परिवार है। ठीक। अच्छा, आप अपने यहाँ पर इस गांव का माहौल कैसा है राजनीति के तौर पर? इसके दो हैं जी, कुछ तो है मतलब तकरीबन जो बैकबोर्ड है हरिजन है वाल्मीकि कहीं है तो मतलब जाएंगे बीजेपी गए। अच्छा। अगर कोई दारू के लालच में जा है भटक कर जागा तो बेशक जाओ कहीं भी। अच्छा। नहीं तो पूरा इरादा यही है जनता। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आप नरेंद्र मोदी की कोई भी दो बातें मेरे को वो बताओ जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उसको ही वोट क्यों देना चाहते हैं? हम उसको ये देना चाहूँ जी, एक तो फौज को मतलब बढ़ावा दिया उसने। ठीक है। क्या नाम है इनको भाई, बदला से बदला ही लेना चाहिए। फिर दूसरी बात, आम मतलब आदमी के पास पढ़ाई लिखाई हमने बड़काएं कराई है, नौकरी नहीं मिले थी, पैसे वाले को नौकरी मिले थी, आज बगैर पैसे वाले को भी नौकरी मिल रही है तकरीबन। आपका एक बार नाम दोबारा बताइए साहब। करण सिंह। करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? विजेंद्र। विजेंद्र जी, आप अपना पता बता दीजिए, गाँव जिला। विजेंद्र सुनो मुख्तारा, गाँव बढ़िया, जिला गोहाना, सोनीपत जिला। ठीक है। हाँ। अच्छा, आपके पास आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं आप कि चुनाव का माहौल है। हाँ। तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? राहुल गांधी एक तरफ जो ना प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हाँ। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। हेलो। तो आप ये अपने जो आत्मा से ये बताओ सही कि कौन सा आपके लिए ठीक है, आपके देश के लिए ठीक है? देखो, सरकार द आए जाहें जाए जाहें जी, बहुत सी जा भी ली, बहुत सी आऊँ लीगी। फिर जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आया है, ऐसा प्रधानमंत्री ना आवे और ना बाद में आया है कभी। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कौन सी आपको अच्छी बात लगी? दो बातें बता। उसमें सारी खासियत से वो हर एक आदमी का ना लखा के चला है, नीचे नीचे वाले जो जमींदार का ना भी लखा के चला है और जो व्यापारी है उसका ना भी लखा के चला है, वो सारी पब्लिक ने एक साथ देख रहा है। नरेंद्र मोदी है जो उस जैसा नेता नहीं आओगा, सबसे इतने जीव है इतना नरेंद्र मोदी रहना चाहिए प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी बता। अच्छा, ये कौन सा रोड है भाई जहाँ पर हम खड़े हैं? जो मोदी सरकार रही है उसके काम के अंदर आपको कोई कमी नजर आई है या उसके अंदर कोई अच्छा ही नजर आई है? यदि कमी नजर आई है तो वो बता दीजिए, और यदि आपको कोई अच्छी बात नजर आई है तो वो बताइए, दो में से कोई भी बताइए। क्योंकि हमारे पीएम आए हैं, प्रधानमंत्री जो आए हैं, जो पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो कि अच्छी तो सारी नौकरियां निकाल रहे हैं और जो सबसे अच्छा काम है हर घर तक बिजली पहुँचाने का काम किया उन्होंने। पहले ये सिलेंडर थे जैसे गैस थी। हाँ। ये महंगी मिलती थी। अच्छा। हर किसी सबको नहीं मिलती थी। अच्छा। अब हर घर में हर गांव में जाके घर तक सिलेंडर पहुँचाया जाता है। अच्छा, तो आप इस चुनाव के अंदर है, क्या जो पुलवामा अटैक हुआ था उसको मुद्दा मानते हैं क्या? आज की तारीख में कोई मुद्दा है वो? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। वो कोई मुद्दा नहीं है? देश की सुरक्षा कोई मुद्दा है या नहीं है? देश की सुरक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री ने काफी सहयोग किया है। हाँ। जो कि फौज के लिए हर तरह का सहारा दिया है। अच्छा, ये बताओ कि सरकार जो बनेगी आप केंद्र के अंदर किसकी सरकार चाहेंगे? केंद्र के हम तो पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी हो? हाँ जी। नरेंद्र मोदी पीएम को क्यों चाहते हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं। क्या अच्छा ही है? अच्छा है उनकी बोलो
हर घर तक जो होगी उन्हें बिजली पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, हर जगह ठीक है, ऊपर से सिलेंडर है हर घर में, ठीक है, मिलता है ऊपर से। उन्होंने हर अच्छा स्वच्छता अभियान जो चला है उसका हाँ कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ जी, चलो उज्ज्वला योजना आपने बता दी भाई, सिलेंडर गरीबों को मिल गए। आपने सफाई अभियान के बारे में जो बार बार जो है चलाया जा रहा है उसका कुछ आपके गांव में अच्छा असर भी दिखाई दिया है? हाँ जी, जो गांव गांव तक जो उन्होंने स्वच्छ अभियान किया था, स्वच्छ अभियान का बार बार हर गांव में कोई भी कई बार घूमने नहीं जाता है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम चलाया गया वो कितना सफल है और कितना सही है? बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ा हुआ है, हर बेटी जो कि हर घर चाहता है कि हमारी बेटी पढ़े लिखे और उसका रोजगार मिले, नौकरी मिले। भाई धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की। Yeah!